अभी गूगल में जाएं और सर्च करें www.samajayakya.in और यहां पे आपको मिलेंगी जो भी अभी चल रही है सरकारी नौकरी उसके नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिंक। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को स्पेशल एपिसोड मिलते रहेंगे। दोस्तों आज हम इंडियन आर्मी जीडी क्लर्क स्टोरकीपर और चाहे आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नर्सिंग के लिए वो अप्लाई करना सीखेंगे। तो आपको गूगल में जो सर्च करना होता है वो सर्च करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। उसके बाद पहली वेबसाइट ओपन होती है ज्वाइन इंडियन आर्मी की, लिंक आता है सॉरी joinindianarmy.nic.in। यहाँ पे आना है। ये वेबसाइट बहुत परेशानी देती है लेकिन घबराना नहीं है। देखो डायरेक्ट ओपन हो गई। कभी कभी ये कोड मांगते हैं, मैं कोड कैसे बताऊं, इस बार इसने मांगा नहीं मेरे से, तो ये वाला कोड देखा। तो इसको आपने करना होता है किस तरह से, ये कोड डालना होता है। चलो मैं आपको डाल के दिखाता हूं, एंटर वेबसाइट। चलो 2019 में मैंने अप्लाई करके नहीं दिखाया तो सोचा चलो एक आपको वीडियो जो है अप्लाई करके दिखा देते हैं किसी अदर स्टेट की। देखो अब अगर आपको जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेड्समैन, बचा कोई टेक्निकल, उसके लिए अप्लाई करना है तो यहां पे क्लिक करना है। यहां पे हम क्लिक करेंगे। चलो अब क्लिक कर लिया। उसके बाद देखो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास अकाउंट नहीं है। अब इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। उसके बाद ये स्टेट अभी मैं करूंगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में अभी भर्ती आई हुई है इसीलिए, ठीक है। तो ये मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर ली। अब भैया राजस्थान में अप्लाई करना है या तो आधार नंबर दो या फिर उड़ाई नंबर दो, दो चीजें देनी पड़ेंगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दे दो वरना उड़ाई नंबर दो। तो चलो अब मैं यहाँ पे आधार उड़ाई नंबर देता हूँ 1355 1234 54321। ये मैंने दे दिया अपने से। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम, तो आज मेरा नाम होगा राम कुमार और फादर नेम क्या रखें, क्या रखूं, रामचंद, चलो ठीक है। और उसके बाद मदर नेम क्या रखें, रानी देवी रख देते हैं, ये मैं हमेशा से रखता आया हूँ। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है इस साल की ही रखते हैं क्योंकि मुझे अप्लाई करना है 19 सालों में अप्लाई हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 1999 वाला जो है वो चल जाएगा, है ना, जनवरी और एक तारीख, ठीक है, 1/1/1999। ईमेल एड्रेस लो मैंने दे दिया। मोबाइल नंबर 8716012345 सबमिट। चलो ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है और मेरी ईमेल भी नहीं, कहते हैं मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है, लगता है मैंने अप्लाई कर दिया होगा। चलो 6 लगा देता हूं, 1 2 3 4 6। कहते हैं हमने एक ओटीपी भेजा है आपकी ईमेल आईडी पे, तो ये ओटीपी सबको जाता है। तो चलो अब ये मैंने खोली ईमेल और यहाँ पे ज्वाइन इंडियन आर्मी का एक वेरिफिकेशन कोड आया है। चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये वाला जो कोड है वो है 74631। ये मैंने देखा 74631। अगर आपको नहीं दिखा तो ये देखो यहाँ पे ये लिखा था ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड इस तरह से आएगा आपको और 20 मिनट तक वैलिड होता है। चलो अब सबमिट करता हूँ और सबमिट करने के बाद देखो क्या बताता है, ये बोलता है कुछ इस तरह से, अब ये डिटेल फिल करो। तो जो जो डिटेल भरनी है वो सारी भरते हैं हम। और मैरिटल स्टेटस, मैं अनमैरिड हूँ, चलो। और ये हाइट कितनी है मेरी, 170 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद देखो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि मैं सबसे ज्यादा कितना पढ़ा लिखा हूं, तो भैया मेरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन बोलेंगे अभी से कहां से हो गई तेरी, 10+2 कर देते हैं, पास हूं। और मैट्रिकुलेशन कहां से की है, स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई से या आईसीएस या ओपन स्कूल या फिर अदर, किससे की है वो चीज बतानी है। तो चलो यहाँ पे स्टेट बोर्ड है। एक चीज और है, मुझे यहाँ पे क्या अदर का ऑप्शन आता है, मैट्रिक, 10+2, डी फार्मा, बी फार्मा या अदर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा। देखो यहाँ पे अदर सर्टिफिकेट डिप्लोमे का भी ऑप्शन आता है जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं मैट्रिक के हिसाब से, 10+2 के हिसाब से अप्लाई करता हूँ। और अब देखो स्टेट लेनी है मुझे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ना अभी जो भर्ती है वो आई हुई है इसीलिए राजस्थान आई। मैट्रिकुलेशन का 10th का सर्टिफिकेट नंबर, ये जो सर्टिफिकेट नंबर होता है ये आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है या फिर डिप्लोमा जो आपका होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है। सीरियल नंबर अलग होता है, डिप्लोमा मार्कशीट नंबर अलग होता है। अगर आपको नहीं पता चले तो भैया मैं एक चीज बोलता हूँ, स्कूल में चले जाओ, उनको पूछ लेना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह क्या है सर ये बताओ, तो वो भी बता देंगे, ठीक है आपको। तो मैं एक नंबर देता हूँ यहाँ पे, 8765487654, ये मैंने दे दिया। इसको रहने देना, इसको नो करना, मुझे अभी तक नहीं पता चला ये क्या है। चलो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, मुझे पहले देखनी पड़ेगी कि जो राजस्थान में रैली आई है वो
कहाँ कहाँ पे है। 23 जून तक जो अप्लाई होगा ये तो हो गया, 20 मई वाला भी हो गया, 22 जून से जो स्टार्ट है वो है हनुमानगढ़ और चुरू, है ना, हनुमानगढ़ और चुरू में आई हुई है, तो मैं हनुमानगढ़ ही यहाँ पे लूंगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। हनुमानगढ़ ये हो गया और चुरू CHU चुरू 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 चुरू, चलो ये पीलीभीत कुछ भी ले लेता हूँ, तहसील तो कोई भी चल जाएगी। अब यहाँ पे पासवर्ड, अब ये पासवर्ड कैसे रखते हैं ये भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, चलिए मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ, एक मिनट मेरे को ये डालने दो, 2387315 ये हो गया। अब ये पासवर्ड कैसे रखते हैं ये देखो, जे ए समझ लो मेरा नाम है साजन @123 इस तरह से कुछ। अब देख लो मैंने एक बड़ा अक्षर यूज किया, उसके बाद छोटे अक्षर यूज किए, एक @ लगाया, आप हैश लगा लो, स्टार लगा लो और नंबर यूज किए, इस तरह ये मैंने एक एग्जांपल देके समझाया है, आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से, अपना नाम, पापा का नाम, जिसका मर्जी। चलो जल्दी जल्दी करते हैं वरना एक्सपायर हो जाएगा। सेव करता हूं, सेव करने के बाद हो गया, कहते हैं काइंडली अपडेट एंड वेरीफाई योर आधार नंबर सून, कहते हैं जल्दी से जल्दी अपडेट कर लेना और अपना आधार नंबर वेरीफाई कर लेना। ठीक है सर कर लेंगे, अभी मैं जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और पसंद करते हैं, फिलहाल मैं लेकिन क्लर्क स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि ये पोस्ट में आपको 10th के भी नंबर देने पड़ते हैं और इसके भी, तो इसलिए थोड़ा आसानी हो जाएगी 12वीं वालों को, है ना। तो चलो हम क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद देखते हैं यहाँ क्या होता है, इस तरह से कंटिन्यू ये हो गया। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये डिटेल है, रिलीजन कौन है मेरा, हिंदू है, क्लास क्लास जाट दे दें, नहीं गुज्जर दे दूं, नहीं भाई गुज्जर नहीं देना हमने, मीना उड़िया यार ये तो देखना पड़ेगा, वेस्टर्न जोन, राजपूत, अदर इंडियन सिटीजन, नॉर्थन जोन, चलो नॉर्थन जोन हम दे देते हैं, चलो ठीक है। अगर आपका नहीं भी होगा ना, इसको छोड़ दोगे तो मेरे ख्याल से इसके बिना भी अप्लाई हो जाता है बंगाली, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि हम नॉर्थन जोन से हैं, कहां से हैं, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब 20 के बी तक मैं फोटो अपलोड कर सकता हूं, मैं यहां पे करूंगा और ये मेरे कुछ फोटोग्राफ के फोल्डर ओपन हो गए हैं जो 20 के बी तक होंगे, मैं एक बार देखूंगा कि जो 20 के बी का है वो अपलोड कर सकूं, तो ये 17 से 20 के बी की फोटो है, इसको मैं अपलोड करता हूं, हो गई। अब एक सिग्नेचर अपलोड करते हैं, तो ये वाले साजन के अपलोड करता हूँ, लेकिन मैं इसका साइज देख लेता हूँ, 10 के बी के नीचे होना चाहिए, ये 16 के बी का है और जहां तक मेरे को पता है इन्होंने 10 के बी कहा है, हाँ तो 10 के बी से नीचा साइन, छोटा साइन मुझे चाहिए, चलो ये भी 16 के बी का है, ये वाला देख लेता हूँ कितना है, ये है 7 से 8 के बी, चलो ये मैं अपलोड कर देता हूँ एक सिग्नेचर, ये हो गया और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो ठीक है ना, अगर आपको क्लास नहीं पता चलेगी तो नॉर्थन जोन वगैरह दे देना, हाउस नंबर 989 और एड्रेस मैं सिंपल जम्मू लिख रहा हूँ, आपको स्ट्रीट वगैरह पिन कोड जो लिखना है वो लिख देना, चलो मैं भी यार आपके लिए लिख देता हूँ, आप बोलोगे सतवारी जम्मू नियर खालसा चौक कुछ करके ऐसे मैंने दे दिया, आप बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है मैंने ये स्मॉल में लिख दिया, इसमें से ये सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है, स्टार वाली चीजें मेंशन है, मैंडेटरी है। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टिक, अगर आप अपने घर से दूर हैं, कहीं और रह रहे हैं, आपको चाहिए वहां पे कॉन्टेक्ट करें, वहां पे चिट्ठी करें, चिट्ठी भेज सकें, तो यहाँ पे वो एड्रेस लिखिएगा बिना टिक लगाए। ठीक है तो चलिए अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ और इसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद मैं लॉग आउट हो गया हूँ, वाह। तो अब मुझे लॉग आउट जो मेरी ईमेल आईडी है वो पासवर्ड, तो ये प्रॉब्लम आपको भी आएगी, इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आपको भी ये प्रॉब्लम आएगी, बार बार लॉग आउट हो जाओगे, बार बार आपको पंगा होगा। 23512310535 लॉगिन करता हूं, देखो कितनी प्रॉब्लम आती है, अपने ही पासवर्ड के साथ पंगा हो जाता है, अब दोबारा से अप्लाई करना पड़ रहा है। चलो क्लर्क के लिए यहाँ पे मैं जल्दी से आगे आगे बढ़ूंगा, देखो ये पंगा पड़ता है, मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे परेशान नहीं हो जाना है कि अप्लाई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, देखो मैंने आपके सामने किया, ये देखो दोबारा अपने आप खुल गया। चलो मैं टेक्निकल पे, मेरे ख्याल से मुझे ना हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे जाना चाहिए और यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये व्यू है और ओपन है, यहाँ पे आना है जब भी कभी बंद हो जाए, परेशानी हो जाए। ठीक है चलो कंटिन्यू, तो ये नहीं है आप दोबारा से अप्लाई करें तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है बीच में। ठीक है कंटिन्यू,
चलो तो ये फॉर्म काफी अच्छा रहा, क्योंकि अगर जिनको भी प्रॉब्लम आएगी, देखो 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 यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी, मतलब यू आर एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल, और हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में मैं जाता हूँ दोबारा से और व्यू पे ओपन पे करता हूँ, पहले मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि कभी कभी जो है बार बार रिएक्शन एरर दे देता है, तो इसीलिए अब मैं जाऊंगा अप्लाई ऑनलाइन पे। आप यहां से कैंसिल करके ही दोबारा से अप्लाई करना, वरना आपको भी क्या होगा, एरर आएगा और बार बार वेबसाइट नहीं ओपन होगी। चलो ये हो गया, चलो और उसके बाद कंटिन्यू। तो ये प्रॉब्लम्स है ना जो आपको भी फेस करने को देखने को मिल सकती हैं। तो चलो यहाँ पे हिंदू और नॉर्थन ईस्टर्न जोन कुछ भी जो आपने देना है वो दे देना, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फोटो अपलोड करूंगा, कौन सी वाली, ये वाली, 35 KB की ये नहीं चलेगी, ये वाली चल जाएगी। और सिग्नेचर जो थे वो मैं ये वाले की अपलोड करूंगा दोबारा से, और अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। चलिए जल्दी से हो जाए, और अब मैं एड्रेस आपको कंप्लीट फिल करके ही दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा से डिटेल फिल की और टिक लगाया, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे ये तकरीबन इसने मेरी कम्युनिकेशन डिटेल ली, उसके बाद पूछता है क्या आपकी जनरल कैटेगरी है, जी हाँ, और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, नो, एसएससी का सर्टिफिकेट नहीं है, नो, और नॉन डिस्पेंसरी हूँ, और सन ऑफ ब्रदर, कोई स्पोर्ट्स कुछ नहीं, गोरखा वगैरह में नहीं हूँ, इसलिए स्पोर्ट्स यहाँ पे आप भी नो, नॉन डिस्पेंसरी कर दीजिएगा। सक्सेसफुल रिकॉर्ड सेव हो गया। अब यहाँ पे मुझे कोर्स की डिटेल देनी है, तो सबसे पहले मुझे 10th का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। कहते हैं 10+2 इंटरमीडिएट पास इन एनी स्ट्रीम, ये मेरी क्वालिफिकेशन है और यही मुझे से यहाँ पे मांगी जा रही है। तो मैं सीधा ही 12th की डिटेल जो है फिल कर देता हूँ साइंस के साथ, बट साइंस के साथ करूंगा नहीं, कॉमर्स के साथ फिल करने की मैं कोशिश करूंगा। और सीबीएसई स्टेट बोर्ड है मेरा, और ईयर ऑफ पासिंग कहाँ पे दे दूं मैं, 2012 नहीं 2014 दे देता हूँ, है ना। चलो रोल नंबर 1 2 3 4 5, सर्टिफिकेट नंबर क्या दिया था वहां पे, 8 7 9 4 5 6, चलो एक दे दिया मैंने ऐसे ही, क्योंकि मुझे पहला वाला तो भूल गया मैंने क्या दिया था। ये रिकॉर्ड सेव हो गया सक्सेसफुली। अब देखो यहाँ पे ना मुझे नंबर ऐड करने हैं, तो कौन कौन सा है, अकाउंट मैंडेटरी है, तो ये मैं सारे नंबर अभी आपको ऐड करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स मिले, 300, सॉरी 85, और कितने में से मिले, 100 में से, ये मैंने दे दिए। और उसके बाद ऐड न्यू रो पे क्लिक करना होता है, ऐड न्यू रो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसी तरह आपको बाकी भी नंबर सब्जेक्ट के ऐड करने हैं, तो मैं सारे ऐड करके आपको दिखाता हूं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं फॉर्म फिल कर चुका हूँ, चार सब्जेक्ट दे दिए हैं, बट एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरा यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अदर पे क्लिक करूंगा और खुद ही यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम जो है वो दे दूंगा। तो जैसे कि मेरा बिजनेस स्टडी था, BUSINESS और STU स्टडी, ये मैं ऐड करूंगा। और यहाँ पे कितने नंबर आए मेरे, 60 आए, कितने में से आए, 100 में से, तो ये मैं ऐड न्यू रो पे क्लिक कर दूंगा और ये वाला भी मेरा जो सब्जेक्ट है वो ऐड हो जाएगा खुद ही, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, और इसके बाद एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, वो ऑन द स्पॉट नहीं आता है। चलो कंटिन्यू पे, बस मुझे लग रहा है एरर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फॉर्म फिल हो गया है, और एक दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि बीच में फॉर्म कहीं काफी बार जो है लॉग आउट हो रही थी आईडी, लेकिन फिर भी मैंने बार बार अप्लाई किया और तब जाके ये हुआ है। तो इस तरह से अब पेज ओपन हुआ है, और अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। इस तरह से आप क्लर्क स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी फॉर्म भी इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात आती है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर शो नहीं कर रहा है, तो एडमिट कार्ड आप लोगों के जो है अप्लाई के बाद आते हैं, कब, जब आपकी लास्ट डेट खत्म हो जाए। जैसे इसकी 6 अगस्त खत्म है लास्ट डेट, तो अब रैली कब है, रैली इसकी सितंबर अगस्त में शुरू होगी, तो यानी कि 6 अगस्त के बाद आपके एडमिट कार्ड किसी भी दिन आ सकते हैं, वो नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन होता है। तो थोड़ा वेट करा करो अप्लाई करने के बाद। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज जरूर भेजना अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी, किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप सीखना चाहते हो। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या।